ये तिहाड़ जेल से प्रोडक्ट बनाए गए हैं। बहुत से लोगों को लगता है तिहाड़ जेल में सारे लोग खाली बैठते हैं, नहीं, ये है एफर्ट्स, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे बन रहे हैं, नोबडी कैन इमेजिन ना। तो अगर हमें ये प्रोडक्ट भी आता है तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट डील कर सकते हैं। अपने इंडिया का ही प्रोडक्ट है ना, हर तरीके के प्रोडक्ट है। देखो मोस्टली लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, और ऐसी बात नहीं आपको कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप इनसे डील करना चाहते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आपके सामने फूड प्रोडक्ट भी है, गारमेंट भी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इवन हैंडीक्राफ्ट भी है, सामने मंदिर भी बन रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं एक बार एक लेक्चर दे चुका हूँ कि हाँ वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा जाता है। हमारा सर ओनली पर्सनल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी आप सीधा ये यहाँ से डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट करते हैं। हमारी सर एक एम्पोरियम है जेल के पास, अच्छा, हेडक्वार्टर के, और एक हमारी हार्ट है, उसमें हम अपना सामान देखते हैं आम पब्लिक के, ठीक है, यानी डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए। जितना भी ये प्रोडक्ट देख रहे हो आप, हाँ, इसका बनाया हुआ, ये सिर्फ हम 10% ही बाहर निकालते हैं, हमारा सारा कंज्यूम हो जाता है जेल के अंदर ही, कैंटीनों में ही। ओके, हमारा मस्टर्ड ऑयल है, हाँ, 10% बाहर निकालते हैं, हाँ, हमारा 17,000 जो प्रिजनर्स है उसके अंदर ही खपत हो जाता है। ओके, हमारा मसाला है, ये सिर्फ मेला लगा हुआ ट्रेड फेयर के, इसको दिखाने के लिए कि भाई अंदर इनमेट्स क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत Main अच्छा reason है, only ये है ना, no profit, एक अवेयरनेस है लोगों के लिए भी कि अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लोगों को लगता है सारे खाली बैठे हुए अंदर है यार, मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे, मेहनत ओनली पर्पस ओनली दिखाने का है। हाँ, we'll be right back.